थक गई। अरे महावर लगा के थक गई, वो तो 2 मिनट का काम होता है। कि नहीं, कि कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण बार बार राधा रानी के कुंज में आते हैं। जैसे ही हम महावर लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, राधा रानी के चरणों को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, जिससे उनकी महावर खराब हो जाती है। तो फिर से हमें महावर का श्रृंगार करना पड़ता है। तो हम महावर लगा लगा के थक गए। अर्थात चंद्रावली को क्या करते थे, कृष्ण अपने कुंज में बुलाते थे, लेकिन राधा रानी के कुंज में क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। चंद्रावली को श्रृंगार करना पड़ता था कृष्ण से मिलने के लिए, और राधा रानी जब केवल अपने चरणों में महावर लगाती हैं तो कृष्ण क्या करते हैं, आकर उनको अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो ऐसे जब एक दूसरे को टोन मारते हुए आगे निकल जाती हैं, तो एक समय क्या होता है कि कृष्ण चंद्रावली से मिल के आते हैं। तो कृष्ण के जो चरण हैं उनमें क्या लग जाता है, उनमें चंद्रावली के चरणों की थोड़ी महावर लग जाती है, पैरों में महावर लगाते ना। तो जब महावर लग जाती है, जब वहाँ से निकलते निकलते लेट हो जाते हैं, थोड़ा विलंब हो जाता है, तो वो राधा रानी के कुंज की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो उनको एकदम ध्यान आता है, देखते हैं अपने चरणों की ओर कि अरे मेरे चरणों में तो महावर लगी हुई है, अगर मैं इस महावर के साथ राधा रानी के कुंज में गया तो वो पहचान लेंगी कि ये महावर किसके चरणों की है, और मुझे क्या करेंगे, फिर कभी कुंज में प्रवेश नहीं करनी पड़ेंगी। तो कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया कि उस महावर को जो कृष्ण के चरणों में लग गई थी, वो महावर गिरिराज गोवर्धन की जो शिलाएं हैं उन पर रगड़ रगड़ कर साफ कर दिया। तो जब रगड़ रगड़ कर साफ कर दिया और जब राधा रानी के पास पहुंचे, तो राधा रानी बड़ी क्रोधित थी कि तुमको एक अलग समय पर आना था और आज तुम एक अलग समय पर उपस्थित हुए हो। तो ये जो कुंज है ये इस समय मिलन के लिए मतलब ठीक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, किसी और कुंज में आज मिलेंगे। तो कृष्ण बोलते हैं ठीक है, जैसे आप आदेश करो, मैं तो आपके पीछे पीछे चलने को तैयार हूँ। जैसे ही राधा रानी तथा अन्य गोपियाँ चलने लगीं, कृष्ण उनके पीछे पीछे चलने लगे, तो कृष्ण ने देखा ये तो उसी मार्ग से जा रहे हैं जिस मार्ग पर मैं अपनी अलता को साफ करके आया था। अगर इन्होंने उस पत्थर को, उस शिला को देख लिया तो वह पहचान जाएंगे कि ये महावर किसकी है और किसके चरणों ने रगड़ रगड़ कर इसको साफ किया है, तो मैं फिर फंस जाऊँगा। तो फिर कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण केवल भय के कारण, तो कृष्ण बड़े भयभीत हो जाते हैं, किससे, राधा रानी से, गोपियों से, कि अगर इनको ये सब पता चल गया तो फिर क्या होगा, फिर मुझे ये अपने पास नहीं बुलाएंगी। तो कृष्ण केवल भय के कारण क्या करते हैं, इंद्र को आदेश देते हैं कि हे इंद्र, इंद्र कौन है, भगवान का सेवक है। तो भगवान क्या करते हैं, इंद्र को आदेश देते हैं कि हे इंद्र, तुम ऐसा वर्षण करो कि ये जो गिरिराज जी पर मेरे जो चरण चिन्ह हैं, जिन पर महावर के द्वारा जो चिन्ह पड़ चुका है, ये क्या करें, ये चिन्ह मिट जाएं। तो महाराज जी बताते हैं कि ये भी एक कारण है गिरिराज गोवर्धन की लीला का, कि केवल कृष्ण क्या करना चाहते थे, अपने उन चरण चिन्हों को मिटाना चाहते थे। तो जब ऐसी वर्षण होने लगी, कृष्ण समस्त गोपियों के साथ गिरिराज जी के नीचे उपस्थित हो गए। जब वर्षा खूब तेज होने लगी तो क्या हुआ, चरण चिन्ह फिर भी नहीं मिट रहे थे। तो फिर महाराज जी ने बोला कि जब व्यक्ति को जब संकट आता ना, तो संकट के समय जो अपनी जो सबसे सीक्रेट चीज़ें होती हैं वो क्या करता है, अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ शेयर करता है। तो कृष्ण के सबसे अच्छे मित्र कौन हैं, शिव जी। तो कृष्ण शिव जी को आदेश देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे गिरिराज जी के ऊपर मेरे चरण चिन्ह हैं, वर्षा से नहीं मिट रहे हैं, क्योंकि इंद्र का इतना अधिकार नहीं, तो तुम क्या करो, तुम जाके अपने त्रिशूल से उसको जाके मिटा दो। तो वहाँ पर शिव जी क्या करते हैं, त्रिशूल से जाके उन सारे जो चिन्ह बने हुए थे उन सारे चिन्हों को मिटाते हैं। तो जब सारे चिन्हों को मिटाते हैं, तो फिर जब चिन्हों से जो मिटता है अलता का जल, वो लाल हो जाता है। अब अगर लाल जल गिरिराज गोवर्धन से नीचे गिरा तो सारे ब्रजवासी और ज़्यादा भयभीत हो जाएंगे, पहले ही बड़े भयभीत हैं इंद्र के प्रकोप से। अगर लाल जल गिरा तो सारे ब्रजवासी सोचेंगे कि ऊपर कोई पशु पक्षी की मृत्यु हो गई है, रक्त गिर रहा है। तो कृष्ण ही चक्रेश्वर महादेव जी को, जिन्होंने चक्र के द्वारा, त्रिशूल के द्वारा ये सब काम किया, उन्हीं को आदेश देते हैं कि भाई जल नीचे नहीं गिरना चाहिए, अगर जल नीचे गिरा तो सारे ब्रजवासी फिर भयभीत हो जाएंगे। तो शिव जी फिर सारे जल को नीचे नहीं गिरने देते। तो ऐसे ऐसे ये जो लीला होती है गोवर्धन लीला, जिसको कृष्ण ने धारण किया, इसका एक कारण ये भी होता है कि कृष्ण केवल राधा रानी के भय के कारण ही क्या करा, इस गोवर्धन लीला को संपन्न किया। तो ये कृष्ण का क्या है, ये कृष्ण का नाम स्वरूप है, माधुर्यता स्वरूप है, और भगवत्ता स्वरूप तो सबको पता ही है। तो बस ये बोल के मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। वांछा कल्पतर बस्य कृपा सिंधु भव चौपति तराम पावने पे वैष्णव्यो नमः। नहीं मान जी, ये गोवर्धन माला का सिद्धांत ही महाराज से सुना, गुरुदेव ये गोवर्धन माला सिद्धांत ही महाराज से, गोवर्धन माला का सिद्धांत ही महाराज से सुना।
हाँ रिकॉर्डिंग तो वो कहेंगे कि शायद वल्लभाचार्य बनी थी, तो उन्होंने बताया था हमारे कि वल्लभाचार्य बनी थी। ए बन्ना इधर आ गया, कर उधर क्यों भाई छोड़ दे। जगह भर गया ना, जगह भर गया बहुत जगह। अज्ञानते मिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत परम गुरुदेव वर्ग नित्य लीला प्रविष्ट हम विष्णुपाद अष्टोत्तरश्वत श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्ट हम विष्णुपाद अष्टोत्तरश्वत श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमलों का आश्रय लेते हुए समस्त रूपानु गुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। यहाँ उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। हम लोग गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण कर रहे थे किस प्रकार जब परीक्षित महाराज को अभिशाप मिला, उन्होंने गंगा जी का आश्रय लिया। गंगा जी का आश्रय लेते हुए और जब उनके मन में इच्छा हुई कि भगवत कथा श्रवण करते करते ही मेरे पास ये जो 7 दिन है वो मैं व्यतीत करूं, तब उन्होंने सुखदेव गोस्वामी पाद से अनेक अनेक प्रश्न किए। जब उन्होंने प्रश्न किए, ये प्रश्न श्रवण करके सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं बरिया नेशते प्रश्न, उनके प्रश्नों की भी प्रशंसा करते हैं कि आपने जो ये प्रश्न पूछे हैं बड़े ही आत्मकल्याण के लिए और जीवों के उद्धार के लिए, अपने लिए नहीं। जिस प्रकार गीता में अर्जुन को मोह हुआ तो अर्जुन को क्या स्वयं को मोह हुआ है? अर्जुन का मोह भी हमारे लिए ही है। हम जैसे जीवों को ज्ञान प्रदान करने के लिए अर्जुन ने मोहित होने की लीला करी। उसी प्रकार यहाँ पर परीक्षित महाराज भी हमें लक्ष्य करके उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न किए और उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि जीव दुखी क्यों है, इसका कारण पहले वर्णन करते हैं। क्या कि सब कुछ जीव को जितना भी कुछ प्राप्त हो जाए तब भी जीव संतुष्ट नहीं होता? क्या जीव को कुछ भी प्राप्त क्यों ना हो तब भी संतुष्ट नहीं होता? क्योंकि दुखी है कृष्ण, कृष्ण भूली सही जीव अनादिर बहिर्मुख। भगवान कृष्ण को भूल कर और माया के झपेटे में आकर क्या है, जीव दुखी हो रहा है। तो इसीलिए उससे उद्धार पाने का उपाय जब श्री सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं तो बता रहे हैं कि तुम कुछ मत करो हे परीक्षित, क्या करो, तस्मात् सर्वात्मना भारत, तस्मात् भारत सर्वात्मना हरिश्वेतान श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो इच्छिता भयम्। कि अगर तुम अभय प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम अपने ये दिन जो तुम्हारे पास तुम्हारी अंतिम आयु बची है अगर तुम इसमें अभय प्राप्त करना चाहते तो क्या करो, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो इच्छिता भयम्। कि यह 3 कार्य बताए सुखदेव गोस्वामी पाद ने, श्रवण कीर्तन और स्मरण। भगवान की कथा का श्रवण करो, उनकी कथा को स्मरण, उनकी उन्हीं का स्मरण करो और उसी का कीर्तन करो। श्री रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 64 अंग बताए। अभी 64 अंग को भी फिर वापस और कम करते हुए श्री प्रहलाद महाराज जैसा कहते हैं कि नवदा भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासिम सख्यम आत्मनिवेदनम। हम जानते हैं ये 9 अंग को उन्होंने बतलाते हुए कहता कि भजनेर मध्य शेष नवविधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति। कि 64 अंग का यदि कोई याजन ना कर पाए तो 9 अंग ये नवविधा भक्ति जो है उसका कोई पालन करे। अभी यदि वो भी ना हो तब उसमें कह रहे हैं कि क्या करो, 5 अंग मुख्य अंग कौन कौन से, साधु संग भागवत श्रवण नाम संकीर्तन मथुरा वास श्रीमूर्ते श्रद्धा सेवन सकल साधन श्रेष्ठ ए 5 अंग कृष्ण प्रेम जलमाए तारल्प संग। कि अगर कोई नवविधा भक्ति का भी यदि याजन ना कर पाए तो ये 5 चीजें करो, क्या करो,
साधु संघ, सबसे पहले साधु संघ बताया, नाम संकीर्तन भगवान नाम का कीर्तन, फिर भागवत श्रवण वैष्णव अनुगत्य में इस भागवत कथा का श्रवण, फिर मथुरावास अर्थात धामवास जगन्नाथपुरी नवदीप धाम वृंदावन धाम इस प्रकार धामवास और श्रीमूर्ते श्रद्धा सेवन श्रद्धा पूर्वक श्री विग्रह का अर्चन पूजन। तो ये पांच अंग बताते हैं। इन पांच में से भी फिर कह रहे हैं श्रवण कीर्तन और स्मरण, ये तीन मुख्य बताए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद भी क्या कह रहे हैं, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो इच्छिताभयम्, कि क्या करो श्रवण कीर्तन और स्मरण। यहां पर कीर्तन को बीच में रखा है, कीर्तन को बीच में रखा है, क्यों? क्योंकि कीर्तन दोनों को साझ्य कर सकता है। कीर्तन जैसे हम लोग कीर्तन करते हैं, कीर्तन करने से क्या होता है, सवेरे सवेरे यदि आनिक करो भगवान गुरु मंत्र करते हुए जब स्मरण करते हैं, मंत्र करते करते ही कब नींद लग गई कब आधा घंटा चला गया पता नहीं चलता। लेकिन उसी के विपरीत कीर्तन क्या करता है, जब हम कीर्तन करते हैं तो पूरा ऊर्जा आ जाती है। इसलिए कीर्तन को बताया ये सर्वश्रेष्ठ अभिधेय है, ये दोनों को, ये स्मरण को, जो हम कीर्तन करेंगे वही स्मरण होगा और जो कीर्तन करेंगे उसी का ही हम लोग क्या, उसी को ही श्रवण भी करते हैं, जो बोलते हैं तब श्रवण तो हो ही जाता है। तो इसलिए बताया कि कीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। देखने में ऐसा लगता है कि यदि हम स्मरण करते, जैसे स्मरण करने में बड़ा कष्ट होता है, स्मरण करना मुश्किल है, लेकिन मुश्किल है इसीलिए वो सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण के माध्यम से बताते हैं, जैसे कहा कि एवरेस्ट पे चढ़ना बड़ा कठिन है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वही सबसे सर्वश्रेष्ठ हो गया, है कि नहीं? कौन सा चीज सर्वश्रेष्ठ है उसका अनुमान कैसे लगाएंगे कि किससे ज्यादा लाभ हो रहा है, कीर्तन से हमें ज्यादा लाभ है। इसीलिए बताया परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। और इस श्लोक में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कहते हैं कि उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने तीन नाम लिए, क्या, सर्वात्मा भगवान और हरि। तो यहां कह रहे हैं कि जो लोग ज्ञानी हैं, जो भगवान के ब्रह्म ज्योति के रूप में पूजा करते हैं, वो भगवान के सर्वात्मा, वहां पर उनका ऐश्वर्य प्रकाशित हो रहा है, तो सर्वात्मा स्वरूप जो है, जो सर्वत्र विद्यमान है, उस रूप की उपासना करते हैं। जो लोग भगवान की रागमयी भक्ति करते, जो वैदिक भक्ति करते हैं, वो भगवान को हरि या ईश्वर के रूप में, षड ऐश्वर्य पूर्ण जो दुख कष्ट का हरण करते हैं, उस रूप में उपासना करते हैं। और जो भगवान को रागमयी भक्ति करते हैं, वो उनको भगवान रूप में प्राप्त स्मरण करते हैं। इसलिए ये तीनों की अलग अलग, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया कि ये तीन अलग अलग हैं। उसके बाद में बता रहे हैं यहाँ पर, इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद बाद में कहते हैं कि एतत् निर्विद्यमानानां इच्छिताम अकूत भयम् योगिनाम नृपनिर्णीतम हरि नामानुकीर्तनम्। कि उस पहले तो बतला दिया श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य, श्रवण कीर्तन स्मरण बतलाया, लेकिन उसके बाद में सबसे सर्वश्रेष्ठ बतला रहे हैं कि योगिनाम नृपनिर्णीतम हरि नामानुकीर्तनम्, कि हरि नाम ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए बता रहे हैं कि जो संसार से पूर्ण रूप में विरक्त हैं, जी संसार की सारी ग्रंथियां टूट गई है, या फिर यदि कोई मोक्ष प्राप्ति की इच्छा हो, यदि किसी को मोक्ष प्राप्ति की भी इच्छा क्यों ना हो, क्या करो हरिनामानुकीर्तनम, भगवान का कीर्तन करो। इसलिए बता रहे हैं हरिनाम कीर्तन सबसे सर्वश्रेष्ठ चक्रवर्ती ये साधन है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज की श्रेष्ठता यदि देखनी हो तो उसको तीन दृष्टिकोण से देख सकते हैं, देश काल और पात्र। अभी पहले यदि आता है काल, कि भगवान ने जो ये हरिनाम कीर्तन का जो विधान है, ये नहीं नियम बताया गया है कि इसका एक निर्दिष्ट काल के अनुसार ही जप करना है। जैसे हम जो आनिक करते हैं, त्रिसंध्या आनिक का नियम है, ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए, जब भी संध्या हो त्रिसंध्या पर आनिक करने का नियम है, लेकिन हरिनाम के लिए कोई नियम नहीं है, हरिनाम के लिए कोई नियम नहीं है, न देश नियमस्त अस्मिन न काल नियमस्तता, कोई निर्दिष्ट काल नहीं है कि हमें इसी समय पर भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा। इसलिए काल के दृष्टिकोण से यदि देखेंगे तो हरिनाम सर्वश्रेष्ठ है। अभी देखते हैं पात्र, पात्र में भगवान ने ये नहीं कहा कि केवल मात्र हिंदू ही मेरे नाम का जप करेंगे, मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई ये लोग नहीं करेंगे, है ना? आप लोगों ने श्रवण करी होगी कथा, जो किस प्रकार एक मुस्लिम विष्टा करते हुए, जो एक मुसलमान ने विष्टा करते हुए जंगल में कहीं पर विष्टा कर रहा था, और वहां पर एक सुअर था, उस सुअर क्या करा, विष्टा खाने के लोभ से भागते भागते आया और उसने उसको मुसलमान को पीछे से मारा, तो मारा तो उसके मुख से क्या निकला, हराम। उसने तो सुअर को गाली देते हुए संबोधित किया हराम, लेकिन भगवान ने उसके मुंह से जो हराम हा राम, ये राम नाम जो निकला, उसी से ही उसका कल्याण हो गया।
तो इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पर यह भी नियम नहीं रखा कि पात्र अर्थात मुसलमान जप नहीं करेगा या क्रिश्चियन जप नहीं करेगा, कोई भी भगवत नाम का जप कर सकता है। और परिस्थिति देश अर्थात किस अवस्था में ना भगवान नाम लिया गया है, जैसे उदाहरण आता है यहाँ पर अजामिल का, अजामिल की कैसी अवस्था थी, मरणासन स्थिति पर था, क्या था, मरणासन स्थिति पर सामने तीन तीन यमदूत का दर्शन कर रहा है और भय से मलमूत्र का त्याग कर रहा है और स्थिर बुद्धि से नहीं, भयभीत होके और चित्कार करते हुए उसने भगवान का नाम लिया, लेकिन फिर भी उसको क्या हुआ, फिर भी उसकी सदगति हो गई, भगवान का नाम भी नहीं लिया था, अपने बेटे को संबोधित कर रहा था, इतनी दयनीय स्थिति थी, लेकिन फिर भी क्या हुआ, एक किम पुनर्श्रद्धा गृणन, बता रहे हैं यहां पर कि म्रियमाणो हरिनाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलो अपि अगाधम किम पुनर्श्रद्धा गृणन, कि ऐसी मरणासन स्थिति पर इतनी दयनीय स्थिति में भी जब अजामिल ने अपने पुत्र को संबोधित करते हुए नारायण कहा तो उसका भी कल्याण हो गया। तो किम पुनर्श्रद्धा गृणन, यदि कोई श्रद्धा पूर्वक और स्थिर बुद्धि से भगवान का नाम ले तो उसको क्यों लाभ नहीं होगा, इसीलिए बता रहे हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, कि सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन यदि है तो तीनों दृष्टिकोण से यदि हम देखेंगे तो हरिनाम ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद क्या कहते हैं कि निखिल श्रुति मौली रत्नमाला द्युति निराजित पाद पंकज अंत आई मुक्त कुले रूपास्य मानम, ऐसा नहीं है कि यह हरिनाम केवल मात्र बद्ध जीव के लिए है, बद्ध जीव के लिए तो ये सर्वश्रेष्ठ साधन है ही, उसके साथ साथ क्या ये मुक्त कुलों के लिए, मुक्त आई मुक्त कुले रूपास्य माना अर्थात जो लोग मुक्त महापुरुष हैं उनके लिए भी ये हरिनाम ग्राह्य है, उनके लिए भी ये हरिनाम ग्रहण करने के लिए है, क्योंकि जैसे उदाहरण आता है हरिदास ठाकुर का, साक्षात नामाचार्य श्रीमन महाप्रभु, श्रीमन महाप्रभु क्या करते थे, तो दिन रात ये हरिकृष्ण महामंत्र इसी का गुणगान करते, इसी का जाप करते थे। और श्रीवास आंगन में हम लोगों ने जैसे श्रवण किया है, श्रीवास आंगन में पूरी रात क्या चलता था, यही हरिनाम का कीर्तन चलता था। तो इसीलिए बता रहे हैं कि मुक्त कुलों मुक्त महापुरुषों के लिए भी ये हरिनाम है। हाँ, और उसमें भी फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यदि कोई उच्च स्वर से हरिनाम करे तो उसका और ज्यादा लाभ है, जैसे हरिदास ठाकुर से जब हरिदास ठाकुर का क्या नियम था, 300,000 नाम करते थे, 100,000 मणिमन में, 100,000 उपांशु जो खुद थोड़ा सा श्रवण कर सके और 100,000 जोर जोर से, तब वहां के आसपास जो बहिर्मुख लोग थे पाषंडी लोग थे उन्होंने प्रश्न किया, क्यों गोसाई हमने तो सुना है कि ये मंत्र को मणिमन करना चाहिए और तुम ऐसे चित्कार कर करके क्यों गाते हो, क्या सबको दिखाना चाहते हो कि तुम कितने बड़े भक्त हो। तब वो प्रश्न उत्तर देते हुए क्या कहते हैं कि पशु पक्षी कीट बोलिते ना पारे सुनी ले हरिनाम तारा सप्तरे, कि पशु पक्षी ये जो सारे पेड़ पौधे हैं कीट पतंगा है ये तो भगवान का नाम बोल नहीं सकते, तो क्या होगा इनका कल्याण कैसे होगा, केवल मात्र सुनने से, केवल मात्र सुनने से ही उनका कल्याण हो जाएगा। इसलिए हरिदास ठाकुर का क्या नियम था, कहते हैं कि अगर कोई वो जोर जोर से 100,000 नाम करते थे और यदि कोई जोर से हरिनाम कर रहा है बताते उसका 100 गुना अधिक फल है, उसका 100 गुना अधिक फल है। इसलिए उदाहरण के माध्यम से बताते हैं, जैसे कोई व्यक्ति धनोपार्जन करता है, नौकरी करता है, धनोपार्जन करता है, स्वयं अपना पेट पालन करता है और ठीक है, लेकिन उसी के अलावा एक दूसरा व्यक्ति वो क्या करता है, धन उपार्जन करके अपना पूरा परिवार पालन करता है और दूसरे लोगों को भी खिलाता पिलाता है, पूरा उनको पालन करता है, तो दोनों में से कौन श्रेष्ठ हुआ, जिसने अपने परिवार का भी पालन किया। इसलिए कह रहे हैं कि अगर कोई हरिनाम अगर मनीमन करता है या उपांशु रूप से भी यदि कर रहा है तो उससे खुद का ही कल्याण होगा, लेकिन यदि कोई अगर जोर जोर से हरिनाम करे तो उससे जो लोग श्रवण कर रहे हैं उनका भी कल्याण होता है, उनका भी कल्याण होता है। इसी प्रकार जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर हरिनाम सुखदेव गोस्वामी हरिनाम को श्री नाम संकीर्तन को सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थापित करते हुए बाद में परीक्षित को आश्वासन देते हैं कि हे परीक्षित तुम चिंता मत करो, श्री खटवांग राजा के पास तो सिर्फ एक मुहूर्त था और उस एक मुहूर्त में ही उन्होंने क्या किया, भगवत प्राप्ति कर ली, फिर तुम्हारे पास तो 7-7 दिन है, तुम 7-7 दिन तक यहीं बैठकर कुछ मत करो, केवल मात्र भगवत कथा का श्रवण करो और भगवत कथा श्रवण करते करते जब तक तुम्हें यह अनुभूति नहीं हो जाए कि मैं इस भवसागर से पार हो गया हूं तब तक मैं तुम्हें कथा श्रवण कराता रहूंगा। इसी प्रकार बोल के सुखदेव गोस्वामी ने आगे की बात कही। हम आगे गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आ जाओ यहीं आ जाओ।
गला निकालो वृंदावन हैदराबाद वृंदावन बोले 8 दिन का था ना जो पहले वहां सब बोले अरे ओम अज्ञानते विरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सद श्री कृष्ण भक्ति वेदांत शिला श्रीधर गोस्वामी गुरु यहाँ चरण कमलों में यथाई गुदन प्रणाम करता हूँ। उपस्थित प्रभु चरण प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव चरण कमलों यथा प्रणाम करता हूँ। जैसे कि कल हमने श्री गुरुदेव के जैसे कल हमने गुरुदेव के मुखारविंद श्रवण किया था कि जो परीक्षित महाराज हैं जो सुखदेव गोसाई पाद हैं वो उन कहते हैं कि जो खटमांग राजा थे उनके पास केवल एक क्षण का समय था, एक क्षण का, एक मुहूर्त का। आपके पास तो राजन केवल 7 दिन है, आप 7 दिन में क्या नहीं कर सकते। तो गुरुदेव ने उसी प्रसंग का कथा बताया था कल की कि एक बार एक ब्राह्मण थे, वे एक राजा घर पे गए महल में, उन राजा को बुलाया तो राजा आया नहीं। उस राजा ने क्या किया, मंत्र के हाथों 100 करोड़ प्रणाम भेज दी। उस राजा को लगा कि जो ब्राह्मण है वो प्रणामिक लोग से आया होगा, तो उन्होंने क्या किया, जब 100 करोड़ उस राजा को ला ब्राह्मण को दिए तो बोले मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे राजा चाहिए, राजा को बुलाओ, मुझे कुछ जरूरी बात बतानी है। अच्छा साधु साधु, तो साधु ने बोला उन राजा को बुलाओ। तो राजा ने फिर क्या किया, उनको लगा कि ब्राह्मण 100 करोड़ प्रणाम से क्या संतुष्ट नहीं हुआ, फिर उसने क्या किया दोबारा 500 रुपये प्रणाम भेजी, बोला कि इससे संतुष्ट हो जाएगा वो। जब जो मंत्री था राजा का, जब वो साधु के पास लेके 500 रुपये प्रणाम गया, उस समय क्या हुआ, साधु ने फिर दोबारा मना कर दिया कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे राजा चाहिए। तो बोला कि राजा तो आ नहीं पाएंगे। तो राजा को जब जाके उसने बात बताई कि आपको बुला रहा है, तो राजा ने बोला उसको बोल दो आ नहीं पाएंगे, उनको कुछ काम है। तो साधु वहाँ से जाते हैं, जब जाते हैं तो जो राजा की रानी होती है, राजा की पत्नी, तो उसे आके साधु बताते हैं कि मैंने तुम्हारे पति को बुलाया, तुम्हारा पति आया नहीं, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। रानी बोलती है बताइए क्या। जब रानी बोलती है बताइए क्या, कि जो साधु बोलते हैं कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैंने ये देखा है कि जो तुम्हारा पति है राजा, उसकी 7 दिनों में मृत्यु हो जाएगी, 7 दिन बाद। तो रानी हैरान हो जाती है, ये ब्राह्मण इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। तो रानी घबरा जाती है। तो रानी क्या करती है उस समय में, कि जो मंत्री होता है उस मंत्री को राजा के पास भेजती है और बोलती जाके उस राजा को बोलो मेरे पति को कि जल्दी जल्दी आए, रानी ने कुछ काम से बुलाया जरूरी। तो जो मंत्री होता है वो राजा के पास जा करके जल्दी जल्दी बोलता है कि महाराज महाराज आपको रानी ने बुलाया, कुछ जरूरी काम है। तो राजा के हाथ दौड़ते दौड़ते आता है। जब दौड़ते दौड़ते आता है तो रानी बोलती है कि तुम्हारे पास कोई साधु आया था। बोलता हाँ। तुमसे कुछ उसने बोला बोलना चाहता था पर मैंने उसको प्रणाम देकर टाल दिया। बोले अच्छा। बोले उसने बोला तुम तब तुम आए नहीं, मैंने बोला तुम क्यों आगे भाग आ गए तुम। उसने वो राजा ने बोला कि मुझे लगा वो साधु किसी काम से ऐसी आया होगा प्रणाम के लोग से, फिर मैंने उसको भगा दिया और तुमने किसी जरूर काम से बुलाया होगा। बोले आपको पता है उस साधु ने क्या बोला। बोले नहीं। तो साधु ने बोला, तो रानी ने बोला कि साधु ने मुझे बताया कि जो आपकी मृत्यु है वो 7 दिन बाद हो जाएगी। तो राजा इतना सुन के हैरान हो जाता है। राधा यदि कोई किसी व्यक्ति को बता दे कि हम 4 दिन पहले मर जाएंगे, वो तो बेचारा आधा मर जाता है सुन करके इस बात को। राजा तो वैसे ही अधमरा हो गया। तो राजा क्या करता है, रानी बोलती जाकर को साधु को पकड़ के लाओ। तो घोड़ सवार लगाते हैं, जो घोड़ सवार होते हैं इनके मंत्री लोग, वो जाके साधु को पकड़ के ले आते हैं। राजा जो क्या करता है, फिर उनका मान सम्मान करता है पूरा, उनके चरणों में प्रणाम करता है और पूछता है कि मेरी 7 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। हाँ 7 दिनों में, 7 दिनों में आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा पूछता है ऐसा क्यों। तो जब उसने पूछता क्यों, बोले आपके पास 7 दिन है, आपके 7 दिनों में मृत्यु होगी। तो उसको कुछ समझ नहीं आता, वो 7 दिनों में,
7 दिनों में मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो जो ब्राह्मण होते हैं, जो साधु होता है, वो साधु बोलता है कि मैंने क्या बोला आप समझे नहीं क्या, कि 7 दिनों में आपकी मृत्यु होगी, मतलब इस 7 दिन के अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी। स्वर्ग जाओगे। हाँ, कि जो राजा होता है वो साधु से बोलता है कि इसके बचने के लिए कोई कारण नहीं है, उपाय नहीं है। तो साधु बोलते उपाय है कि आप राजा आपने खूब दान पुण्य किया है, उससे क्या है आपको अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो राजा बोलता है अच्छा, पर साधु बोलते वहाँ पे एक दिक्कत है। बोलते क्या? बोले वहाँ पे एक सुंदर सा पलंग है, परंतु वहाँ पलंग है, बेड है सोने के लिए, पर वहाँ पे क्या है, वहाँ पे मच्छर बड़े बड़े काटने वाले। तो बोलते अच्छा, तो बोले और कोई उपाय बताइए। तो बोले वहाँ पे एक मच्छरदान ही है। बोले अच्छा, राजा खुश हो जाता है थोड़ा सा। तो साधु बोलता कि उसमें एक दिक्कत और है। बोलता क्या, पूछता क्या? तो राज ब्राह्मण साधु बोलते हैं कि उसके अंदर एक छोटा सा छेदा है, उससे क्या है मच्छर घुसेंगे आपको, काटेंगे। जब इतना सुनता कि मुझे काटेंगे, तो ब्राह्मण उनको बोलते हैं, जो साधु वो उसको राजा को बोलता है कि आप क्या करना, आप अपने साथ में एक सुई धागे लेके जाना, और वहाँ पर जब उसको जाके सिल दोगे तो क्या आपको मच्छर काटेगा नहीं। तो राजा सुनकर हैरान हो जाता है, बोलता आप तो साधु, आप मेरे साथ ऐसा परिहास क्यों कर रहे हो, आप तो स्वयं जानते हो, आप त्रिकालदर्शी हो कि जब व्यक्ति मरता है तो वो उसके बाद एक धन संपत्ति तक नहीं आती, आता है तो कुछ नहीं होता, जाता है तो कुछ नहीं होता, आप ऐसी बात करते हो। बोले राजा वो भी तो मैं बात समझाना चाहता हूँ, जो तुम इतना सब राज पाठ संभाल रहे हो वह ठीक है, परंतु तो राजा को साधु बोलते हैं कि मैं कहना चाहता हूँ कि आप भगवान का जल्दी भजन करो और भगवान की चरणों का आश्रय लो। नहीं पता बस मैं कि परम गुरुदेव बताते हैं कि कल गुरुजी बता रहे थे कि परम गुरुदेव बोलते थे पूछो शिला भक्ति नारायण महाराज जी कि हमारे पास भी 7 दिन ही हैं, जो हमारी मृत्यु होगी 7 दिनों के अंदर होगी, इसलिए हमें जल्दी जल्दी भगवान के भजन की चेष्टा करनी चाहिए। तो गुरु जी ने इसके लिए बताया कि जो कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि हम घर में रह कर भजन कर लेंगे, हाँ दिन 7 ही हैं, 7 दिनों में आप 7 दिनों में मरोगे, कैसे कर बताया था 7 ही दिन होते हैं। वांछा कल पत्र भविष्य कृपा सिंधु भाई सा पति तन वर्ष नमो नमः। ओम अज्ञान तीव्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बृंद बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद कूच पदत्यंत सीधे गोस्वामी जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षक गुरुपाद पूजपद परमेश्वरी प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। उसके पश्चात सभी वैष्णव वैष्णवी भाई बहन सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। जैसे कि गुरुदेव बता रहे थे, कल हम एक कहानी बता रहे थे कि घर में भजन हम लोग नहीं कर सकते। तो घर में हम भजन कैसे नहीं कर सकते, तो गुरुदेव ने इसके ऊपर एक कहानी बताई थी जो परम गुरु जी से बता रहे थे गुरुदेव ने।
तो बताते एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति होता है और उसके तीन बच्चे होते हैं, और तीन बच्चे होते हैं तो जो वो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो सोचता है कि मैं घर में भजन कैसे करूं, पर वो सोचता है कि मैं धाम में जाके भजन करूंगा। पहले तो उसने अपने बच्चों को अच्छे से खिला पिला के बड़ा करके उनको इतना कर दिया कि बोला मैंने आपको अपने इतना योग्य बना दिया है कि आप अपना पेट पाल सकते हो खुद ही अपना कमा धमा के। बाद में वो बच्चे बोलते हैं ठीक है। बाद में वो जब बूढ़ा हो जाता है तो वो अपने बच्चों से बोलता है कि मेरे लिए एक धाम में, वृंदावन धाम में एक व्यवस्था कर दो जहाँ पर मैं रहकर भजन कर सकूँ। तो उनके बच्चे बोलते हैं ठीक है आपके लिए हम व्यवस्था कर देंगे। तो बाद में जब उनके बच्चे उनकी बच्चे मतलब उनके बच्चे जो होते हैं उनकी बहुएं उनकी सुन लेती हैं ये बात। जब बहुएं सुन लेती हैं तो वो घबरा जाती हैं, अगर ये बुढ़ा चला गया तो हमारे घर का जो बाहर का चौकीदारी जो बैठे रहता है पूरा दिन वो कौन करेगा, बाहर का जो कुछ भी सामान मंगाना होता है तो ये लेके आ जाता है, इससे मंगवा लेते हैं तो वो कौन लेकर आएगा। तो पति जो वो बहुएं होती हैं वो अपने पति को बोलती हैं आप लोग पागल हो गए सटिया गए हो, अगर आप लोग अगर ऐसे कर दोगे तो घर का जो काम काज है वो कौन संभालेगा, तुमसे तो काम काज होगा नहीं। तो बाद में एक महीना धीरे धीरे, फिर एक महीना बीत जाता है, जब एक महीना बीत जाता है तो फिर वो अपने उनके पिताजी जो होते हैं वो अपने बच्चों से पूछते हैं कि एक महीना हो गया है, मैंने आप लोगों को कहा था कि जैसे मैंने तुम लोगों को कहा था कि मेरे लिए वृंदावन धाम में व्यवस्था कर देना तो उसके लिए क्या हुआ। तो उन्होंने बोला ठीक है पिताजी हम कोशिश करेंगे, लेकिन बोले कि आप एक काम करिए आप वहाँ मत जाइए, आप यहीं पर घर पर रह के भजन करिए, हम आपके लिए यहीं पर घर में व्यवस्था कर देंगे। तो बूढ़ा सोचता है ठीक है। बाद में फिर बहुएं भी उसके सामने रोने लगती हैं पिताजी अगर आप चले जाएंगे तो हम आपके बिना कैसे रहेंगे। तो बाद में उनके पिताजी क्या करते हैं फिर घर में ही भजन करने लगते हैं। जो घर में भजन करने लगते हैं तो बाद में उनके पिताजी बोलते हैं बच्चों से कि ठीक है मैं घर में भजन करूँगा लेकिन मेरी क्या है गीता पढ़ने की इच्छा है तो आप लोग मेरे लिए गीता लेकर आ जाना एक। तो उनके बच्चे तो लेके नहीं आते, लेकिन बहुत उनके कहने पर एक बार गीता लेकर आ जाते हैं। जब गीता लेकर आ जाते हैं तो उनको दे देते हैं पढ़ने के लिए ठीक है। जैसे ही वो पहला श्लोक पढ़ते धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वाला तो उनकी बहू पढ़ने बात उनकी बहू बोलती हैं कि अच्छा एक काम करिए आप यहाँ मत पढ़िए, आप बाहर जो चावल गेहूँ सूख रहे हैं आप वहाँ जाकर पढ़ लीजिए, और वो एक डंडा लेकर बैठ जाना, पक्षी 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 आएँ तो उनको भी भगा देना। तो बाद में बोलते हैं ठीक है। तो वह जैसे फिर दोबारा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बोलते हैं तो एक पक्षी आ जाता है, फिर डंडा लेकर उनके पीछे भागने लगते हैं तो कर नहीं पाते, फिर सोचते हैं कि चलो दोबारा करता हूँ। फिर जैसे वो दोबारा शुरू करते हैं फिर कोई जानवर पशु कुछ ऐसे कोई गाय आ जाती है तो फिर उनके पीछे भागने लगते हैं। तो ये सोचते हैं कि ऐसे तो हो नहीं पाएगा, फिर वो दोबारा सोचते हैं कि चलो मैं फिर से करना शुरू करता हूँ। तो उनकी बहुएं क्या करती है, जैसे वो दोबारा शुरू करते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र तो उनकी बहुएं क्या करती है अपने बच्चों को ला के उनके गोदी में बैठा देती है, ये रो रहे हैं इनको संभालो। तो इसी कारण से फिर वो भजन नहीं कर पाते। तो बस इतनी कहानी थी, और गुरुदेव ने कहा था कि इसी यही कारण है कि हम लोग घर में भजन नहीं कर सकते। इतनी वांछा कल्पतरु भवसि कृपा सिंधु भवसि पति जनाम पावनि वसु तीस लोग बढ़ गए ना। ओम ज्ञान तिमिराम दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। अरे जोर बोलो बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सिख्या गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में
श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण। हम गतगल्ला श्रवण कर रहे थे। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित महाराज, जो बुद्धिमान व्यक्ति है आसानी से जीवन में जो कुछ मिल जाए उसको ग्रहण करते हुए और युक्त वैराग्य पूर्वक भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए कल हम सुन रहे थे पांच प्रकार वैराग्य, लेकिन उसमें कौन सा वैराग्य हमें करना है? हमें युक्त वैराग्य करना। युक्त वैराग्य कहते हैं ये शरीर निर्वाह के लिए जितना जरूरत उतना ग्रहण करते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अगर ज़्यादा संग्रह करेंगे तो भोगी बन जाएंगे, अगर कम अगर करेंगे तो फिर रोगी बन जाएंगे। इसलिए हमें इसलिए युक्त आहार विहार युक्त चेष्टासु कर्मसु, इसलिए युक्त आहार विहार करते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जो महाप्रभु को बोले, बोले प्रभु आप मेरे को कुछ उपदेश दो। बोले मैंने तो तुमको स्वरूप दामोदर को चरण में समर्पण कर दिया हैं, इसलिए कहते स्वरूप रघु, इसलिए मेरे से स्वरूप दामोदर ज़्यादा जानते हैं, तुम स्वरूप दामोदर से ही सब शिक्षा को ग्रहण करो। बोले प्रभु तब भी मैं चाहता हूँ आपकी मुखार बिंद से कुछ सुनना मैं चाहता हूँ, इसलिए आप मेरे को कुछ उपदेश दो। तो महाप्रभु क्या बोले हैं? भाल ना खाई बे और भाल ना पड़ी बे, ग्राम में कथा ना बोली बे, ग्राम में कथा ना सुनी बे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस गरीबे। महाप्रभु उन्होंने इतना ही उपदेश बोले, बोले बहुत बढ़िया बढ़िया मत खाया करो हैं, बहुत ज्यादा अगर बढ़िया बढ़िया खाएंगे क्या होगा? फिर इंद्रिय तेज होगा, इंद्रिय तेज होगा तो क्या होगा? फिर मन इधर उधर भागेगा, विषय भोग में मन विषय भोग का तरफ में जाएगा। इसलिए बोले भाल ना पड़ीबा, बढ़िया बढ़िया खाना भी नहीं और बढ़िया बढ़िया पहनना भी नहीं। बोले बढ़िया बढ़िया क्यों नहीं पहनेंगे? बोले जो बढ़िया खाता है वो अपना अमंगल करता है, लेकिन जो बढ़िया बढ़िया पहनता है वो अपना अमंगल तो करता है यहाँ और दूसरा का भी सर्वनाश करता है। बोले कैसे? बोले जो बढ़िया बढ़िया पहनते हैं कपड़े हैं, क्या करता है? खुद को तो शीशा को सामने 10 बार खड़े होकर देखेगा, मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसे सज रहा हूँ हैं कैसे, और जब रास्ता पर चलेगा सोचेगा मेरे तरफ में कोई देख रहे कि नहीं, आज इतने बढ़िया मैंने कपड़ा पहना हूँ, इतना बढ़िया कपड़ा पहन कर जा रहा हूँ, मेरे तरफ में कोई देख रहा है कि नहीं, उसका मन किधर जाएगा? उसका मन जाएगा विषय का तरफ में। फिर दूसरे जो व्यक्ति देखेगा वो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहना, उसका तो सर्वनाश हुआ ही है और जो पहना उसका भी सर्वनाश, ये दोनों का सर्वनाश है। इसलिए कहते हैं कभी कभी वृंदावन में कुछ कुछ लड़कियां जब भजन करने के लिए आती है ना, पूरा सिर को मुड़ा देती है। कुछ कुछ मैं एक समय कुछ लड़कियां थी, मैंने कहा तो एकदम पूरा सिर मुड़ा कर रखी। मैंने कहा भैया तुम लोगों ने सिर क्यों मुड़ा दिया? बोले बाबा वृंदावन में भजन करना इतना आसानी बात नहीं, यहाँ पर बाहर निकलो ना कुछ लफेंगे लड़के होते हैं जो रास्ता में रोड में खड़े हुए रहते, वो खुद बोल रही थी हैं, वो आती थी यहाँ पर। मैंने पूछा क्यों तुमने मुड़ मुड़ा करके? बोले इसलिए मैं मुड़ मुड़ा कर रखा हूँ, अगर बढ़िया अगर केस को संवारते हैं फिर लोग पीछे पड़ जाते हैं हमारी, इसलिए मुड़ मुड़ा देने पर क्या होता है, तुम जितने सुंदरी क्यों नहीं हो, अरे मुड़ मुड़ा दो तुम्हारा तरफ में कोई भी नहीं देखेगा, कोई देखेगा तुम्हारी तरफ में? कोई भी नहीं देखेगा तुम्हारे तरफ में। बोले बाबा हमें भजन करने के लिए हमें जान बुझ करके ये सर मुड़ा करके किसी तरह से छुप करके हम वृंदावन में किसी तरह से हम भगवान की भजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति करने के लिए अपना भक्ति को बचाने के लिए हैं कुछ हैं कुछ बहाना बनाना पड़ता है, नहीं तो भजन करने नहीं देंगे। यहाँ पर गुरुदेव कहते थे यहाँ पर दो तरह का बंदर है, एक चार प्यार का और दो प्यार का। जो दो प्यार बंद का जो बंदर है ना, चार प्यार से ज्यादा खतरनाक है, चार प्यार का खतरनाक है। इसलिए हमारे कोई विदेशी लड़कियां आई थी, किसी लड़के को चक्कर में फंस गई यहाँ पर आकर के है, किसी लड़के को चक्कर में फंस गई, इसलिए बाहर रहती थी और किसी लड़कों ने पकड़ लिया उनको,
पकड़ करके फिर ये किया। फिर गुरुदेव ने कहा सावधान रहो, यहाँ भजन करने के लिए आयो, जो भक्त भक्ति करने के लिए आए हृदय से भगवान की भक्ति करो, हृदय में और कोई कामना वासना नहीं रख करके निष्कपट होकर भजन करो, नहीं तो राधा रानी तुमको यहाँ ज्यादा दिन वृंदावन में टिकने नहीं देगी, यहाँ से खदेड़ देगी। राधा रानी किसको स्थान देती है ब्रज में? जो निष्कपट रूप में भजन करने के लिए यहाँ आती है, नहीं तो राधा रानी गुरुदेव खुद कहते थे, नहीं तो राधा रानी तुमको यहाँ स्थान नहीं देंगे, भ्रष्टाचार करने से राधा रानी खदेड़ देंगे यहाँ से, ज्यादा समय तुमको नहीं रखेंगे। इसलिए यहाँ भक्ति करनी चाहिए, हमें भक्ति करनी चाहिए युक्त वैराग्य पूर्वक होकर के, जितने जरूरत है शरीर निर्वाह के लिए उतना वस्तुओं को ग्रहण करते हुए क्या करो, भगवान की भजन करो। एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए तब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो आसानी से जो वस्तु मिल जाता है वह वस्तु को ग्रहण करते हुए क्या कर, भगवान की भक्ति करो। इसलिए भगवान पहले तो जंगल होता था जिसमें फल मूल आसानी से मिल जाती थी, जंगल में बड़ी सुंदर यमुना की नदी में पानी इतने सुंदर एकदम प्योर पानी बहती थी, हैं एक पैसा भी फेंक दो ना रुपया नीचे दिखाई पड़ेगा, लेकिन अभी सब फैक्ट्री फैक्ट्री खोल करके सब गंदी नाला सब जोड़ दिया, इसलिए यमुना में पानी भी शुद्ध पानी नहीं मिलती है। पहले इस सब के सब आसानी से उपलब्धि हुआ करता था, बोले सब कुछ वस्तुओं को भगवान पृथ्वी को इसलिए सजा करके रखे हैं जो मेरे भक्ति करना चाहते हैं जैसे उनका कोई दिक्कत नहीं हो और आसानी से वृंदावन में रह करके भगवान की भक्ति कर सके, इसलिए भगवान ने पूरा ये सुंदर रूप में उनने सजा करके रखे। इसलिए क्या करो, लेकिन जो वैष्णव को देखने के लिए कैसे लगता है, जैसे दीनहीन रूप में रहते हैं, अच्छे कपड़ा नहीं पहनते हैं, बढ़िया बढ़िया नहीं खाते, दीनहीन बन करके रहते हैं। कभी कभी ये चीज को देख करके लोग कहते हैं अरे ये भगवान की तुम भजन करते हो भक्ति करते हो, तुम बढ़िया नहीं पहनते हो, बढ़िया नहीं खाते हो, बढ़िया से नहीं रहते हो, ये सब क्या चीज है? जो भगवान की भक्ति करेगा तो उसको तो सबसे बढ़िया बढ़िया चीज मिलेगा ना। तो यहाँ पर कहते हैं जब तो देखो वैष्णव व्यवहार दुख निश्चय जानिए सही परानंद सुख। जो वैष्णव को ऊपर से दिखाई पड़ता है जब तो देखो वैष्णव व्यवहारिक दुख, साधारण रूप में जो व्यवहारिक दुख दिखता है क्या, बढ़िया बढ़िया नहीं पहनते, बढ़िया बढ़िया नहीं खाते, दीनहीन बन करके भगवान की भक्ति करते हैं, फिर इसको क्या समझो, कहते ये परानंद सुख। ये मत समझो ऊपर से दिख रहा है दीनहीन रूप में रह रहे हैं, लेकिन ऊपर से तो देखने के लिए दीनहीन रूप में रह रहे हैं लेकिन अंदर में सबसे ज्यादा प्रसन्न है। जैसे हमारे छह गोस्वामी लोग हैं, छह गोस्वामी लोग पास में क्या है, एक कमंडलू और के कंथा, एक कंबल और कुछ है नहीं इनको पास में, एक एक वृक्षों के नीचे एक एक दिन एक एक वृक्षों के नीचे रहते थे हैं। कभी कभी गौर किशोर दास बाबा जी महाराज नाव के अंदर में जो घर है उसके कभी रह गए, कभी पायखाना के अंदर में रह करके उसकी अंदर में बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, वो जोर जोर से भजन करते थे। एक व्यक्ति ने क्या किया, उनको एक रुपया ला करके दिया है, एक रुपये उस समय एक रुपया की बड़ा कीमती था, उनको एक रुपया दे, बोले बाबा जी महाराज एक रुपया लो। जब एक रुपया दिया ना, बोले रात भर उनको नींद नहीं आई, इस समय एक रुपया की बड़ी कीमत था है, एक कीमत था भैया, पैसा कोई ले नहीं जाए है, कोई चोरी करे, रात भर एक रुपया की वजह से सो नहीं पाए, दूसरे दिन लेकर भैया एक रुपया तू ले ले, ये एक रुपया की गर्मी में रात भर मेरे को नींद नहीं आई, और तुमने इतने पैसा की गर्म को कैसे सहज करते हो, किसने उनको कोई बढ़िया कंबल दे दिया तो रात में ओढ़ करके सोए और इतने बढ़िया नींद आई, इतने दूसरे दिन कंबल ला कर वापस दिए, भैया एक कंबल तो ले ला, क्योंकि रात में मैंने भजन करता था भक्ति करता था, जब ये बढ़िया कंबल ओढ़ा ना इतने बढ़िया नींद आई, मेरे हरिनाम नहीं कर पाए।
भैया तू अपना कमल को तू ले ले हैं। इसलिए कहते जो छह गोस्वामी जो भजन करते थे छह गोस्वामी हैं, इसलिए हे राधे ब्रज देवी के चल ललिते, हे नंद सुनकुत श्री गोवर्धन कल्प पाद तले कालिंदी वन्य कुत घोषंतांग मिति सर्वत्र खेदरी महाबिहलो बंदे रूप सनातनम रघुजुगो श्री जीव गोपाल को है। इसलिए दिन रात हे राधा रानी तुम कहाँ हो, हे ललित विषय के तुम कहाँ हो, कभी गोवर्धन तलेटी में, कभी श्री राधा कुंड श्याम कुंड में, कभी निधुवन में, कभी सेवा कुंज में, हा राधे हे कृष्ण बोल करके रो रो करके विरह में दिन रात उनको विरह में रो रो कर भजन करते थे। लेकिन ऊपर से देखो क्या दिखता है, दीनहीन बन करके है, दीनहीन बन करके, लेकिन अंदर से कृष्ण प्रेम रस की जो धारा, हाँ जो प्रेम की जो नदी हृदय में, प्रेम की नदी हृदय में उमड़ती थी। इसलिए कहते जब तो देखो वैष्णव व्यवहार दुख, जो व्यवहार रूप में जो दुख देखो केवल व्यवहार के रूप में, लेकिन निश्चय जानी होता परानंद सुख, निश्चिंत रूप में समझो ये परम आनंद में रह रहे हैं, भगवान की भक्ति रस में सराबर हुए हैं। इसलिए विषय मदांत सब किछु ही ना जाने, विद्या मध्य धन मध्य वैष्णव नाचिने, लेकिन जो विषय अंधे में जो अंधकार है विषय मद में जो कुछ हो उसमें डूबे हुए हैं, जिनको विद्या की अहंकार है, धन का अहंकार है, कहते भैया वो लोग वैष्णव को पहचान नहीं सकते। वैष्णव चिन्हित नारे देवरे सकती, यहाँ तक भी वैष्णव को देवता लोग भी वैष्णव लोग को पहचान नहीं सकते। कौन कह रहे हैं? ये वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, मुई कन जन है अति मूढ़मति। जब वैष्णव को देवता लोग ही नहीं पहचान सकते हैं, फिर भैया हम तो मूढ़मति, हम वैष्णव कैसे, हम वैष्णव कैसे पहचानेंगे, हैं वैष्णव का हम कैसे पहचानेंगे। इसलिए वैष्णव को पहचानना इतना आसानी बात नहीं, हम तो ऊपर का वेश देखकर पहचानते हैं, जो हमारे श्री हैं बंसीदास बाबा जी महाराज हैं, बंसीदास आप उनका फोटो देखे हो कहीं, कहाँ देखो, जटा जुटाधारी पागल जैसे एकदम पूरा एकदम पागल, उनको देखोगे ना पागल ही लगेगा, एकदम पागल होकर बैठते थे, और निताई गौर को ले जाते थे, जब जाते थे गंगा में जमुना में स्नान करने के लिए ले जाते थे, और उनको पानी में डाल देते थे, बोले दोनों को स्नान करो, अब तो बाद में हम तुमको ले जाएंगे, तुम दोनों स्नान करो, लेकर पानी में छोड़ देते थे, हाँ पानी को अंदर छोड़, तुम दोनों स्नान करो, जाते समय ले जाएंगे। उनकी क्रिया बड़े अद्भुत क्रिया थे, लेकिन उनको कोई नहीं पहचाने, साधारण लोग तो पागल समझते थे, लेकिन जब प्रभुपाद आए तो उन्होंने, प्रभुपाद ने पहचाना। क्यों? कहते जौहरी को कौन पहचान सकते हैं, सोने को कौन पहचान सकते हैं, जौहरी पहचान सकते हैं। इसलिए साधु को समझना इतनी आसानी बात नहीं है। इसलिए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को देखो, श्री हैं श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को तो पागल जैसे बैठोगी। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं, हमारे विषयी पागल बोलिया अंगेते दिवे के धोली, कब ऐसे दिन आएगा लोग हमें अपना पागल समझेंगे। सुखदेव गोस्वामी को पागल ही समझते थे हैं, इसलिए उसको ऊपर धूल झोंकते थे उनको ऊपर में। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, बोले भैया वैष्णव को पहचानना इतना आसानी बात नहीं। फिर यहाँ पर कहते हैं, कहते शरणागत भक्त के लिए भगवान ने क्या किया, पूरा पृथ्वी को बहुत अच्छे तरह से सजा करके रखे। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं साधु लोग कभी गृहस्थ भक्तों के घर में भिक्षा लेने के लिए भी जाते हैं, जैसे मथुरा में तुम लोग जाते हो भिक्षा करने के लिए, सब तो मंदिर भिक्षा में चलता है, कभी कभी वैष्णव को दिखाई पड़ता है ये कभी कभी भिक्षा लेने के लिए जाते हैं गृहस्थ भक्त घर में। फिर ये क्यों गृहस्थों घर में भिक्षा लेने क्यों जाते हैं, बोले कारण है बोले कारण है उनको भक्ति उन्मुख सुकृति कैसे जीव को धीरे धीरे बढ़े, उनका कैसे वस्तु को ला करके कैसे गुरु वैष्णव की सेवा में लगाए, और सेवा में लगने पर उनको धीरे 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 वो जो पैसा कमा रहे हैं, अगर वो पैसा को केवल अपना भोग में ही लगाते रहेंगे उनको तो भक्ति उन्मुख सुकृति बढ़ेगी नहीं, सुकृति नहीं बढ़ेगी तो धीरे धीरे भजन में भी वो उन्नत नहीं लाभ कर सकते हैं। इसलिए कैसे धीरे 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 है जीव जागो गोरा चांद बोले,
कत निद्रा जाओ माया पिशाच रे गोली। इसलिए गृहस्थों घर में जाते हैं, उनका दिया हुआ वस्तुओं को ला करके क्या करेंगे, ठाकुर जी की सेवा में लगाएंगे। सेवा में लगेगा तो उनकी धीरे धीरे सुकृति बढ़ेगी, फिर भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इसलिए गुरुदेव एक सुंदर कथा सुनाते थे, हैं ये कथा कल मैं सबको पूछूंगा, निताई गौर को पूछूंगा। इसलिए कहते हैं कि साधु एक गांव में भिक्षा के लिए जाता था, जब जाते थे सब लोग तो कुछ ना कुछ देते थे, हैं कुछ कुछ देते थे, जब देते थे लेकिन एक बुढ़िया थी बड़ी कंजूसी, एक पैसा उसका हाथ से नहीं निकलती थी। जब ये जाते थे भिक्षा के लिए, उनको बड़ेदारी के कोई काम धाम है नहीं, घूमते रहते हो काम धाम करते नहीं, वो भीख मांगने के लिए आ जाते हो, रोज गाली देती थी, लेकिन वो संत है, वो तो चाहते दूसरों को कल्याण करे, हैं दूसरों को उद्धार करे। एक दिन क्या हुई, वो सवेरे सवेरे घर में लिपा पोता लगा रही थी, कैसे गोबर और मिट्टी कपड़े से लिपा पोता लगा रही थी, बस पहुंच गए, बोले भगवती भिक्षा देही, बोले दारी के सवेरे सवेरे आ गया तू, कोई काम धाम नहीं, सवेरे आ गई भिक्षा लेने के लिए। जब ऐसे बोली ना, बोल करके जो कपड़ा था ना मिट्टी और गोबर की उठाए और मारे, बोले ले भिक्षा, उसको ऊपर में मारे, लेकिन वो तो संत है, हैं संत हृदय नवनीत समाना, इसलिए उन्होंने बोले भैया ये तो कुछ भी नहीं देता था, कम से कम आज तो कुछ दे दिया। उन्होंने उसको लेकर गए, कहाँ पर लेकर गए, यमुना में लेकर गए, अच्छे तरह से धोया, धो धा करके अच्छे तरह से सुखाया धूप में, जब सूख गई उसको उसमें बत्ती बनाई और घी में डुबोया, और शाम को ठाकुर जी को जय जय राधा कृष्ण रे जुगल मिलन, आरती कराए ललिता दिस की गाना, मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर पीताम्बर सिखी पूछ चूड़ा। जब ठाकुर जी को उन्होंने आरती करने लगे, फिर क्या हुआ, लेकिन वो थी किसकी, वो थी वो बुढ़िया की, वो बुढ़िया की थी ना, कपड़ा थी बुढ़िया की। जब ये कहाँ पर लग गया, ठाकुर को सेवा में, जब ठाकुर को सेवा में आरती करने लगे, अपने आप वो जो माता जी जिस बड़ी कंजूसी थी, जिसका हाथ से एक पैसा भी नहीं निकलती थी, वो हृदय अपने आप परिवर्तन हो गया, अपने आप हृदय बदले गई, बोले हाय रे ये साधु कितने दयालु कितने कृपालु, हमारी कल्याण करने के लिए आते थे, मैं तो कुछ दिया ही नहीं, उसको क्या दिया, मिट्टी और हाँ गोबर से पोते हुए कपड़े को मैंने फेंक करके मारे पोछा को, मैंने गलती की है, इसलिए कल जब वो साधु बाबा आएंगे फिर उनको चरण में बैठ करके माफी मांगूंगी, फिर उनकी सेवा करूंगी। अभी बाबा रोज आते हैं गांव में भिक्षा लेने के लिए, हैं पहले यही तो वृत्ति था, घर से भिक्षा लेकर के ठाकुर को सेवा करते थे। जब वो बाबा गांव में आए, जब दूर से बाबा को देखना, बोले बाबा बाबा आज मेरे घर में भी आई हो, बोला आज इसको क्या हो गया, ये तो रोज गाली बकती थी, हैं गाली निकालती थी, आज के तो मेरे घर में आई हो। जब उन्होंने घर मेरे गए, प्रणाम किया, माफी मांगे, आसन देकर बैठाए, बोले बाबा मैंने कल आपको साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया, माफ कर दो। फिर उनको उन्होंने कुछ भिक्षा प्रदान की। गुरुदेव ये कथा सुना कर कहते थे, साधु लोग जो हमारे घर में आते हैं, कहते निज कार्य नहीं तब जान तार घर, हैं महत स्वभाव ई तारित, महान का स्वभाव क्या है, निज कार्य नहीं तभी दूसरों के घर में जाते हैं। इसलिए नियम है भिक्षा में जो प्रदत्त वस्तु है उसको सही सही रूप में हमें उसको गुरु वैष्णव ठाकुर को सेवा में लगा देनी चाहिए। अगर वह वस्तु को कोई अपहरण करने के लिए कोशिश करे, नहीं तो फिर अगली जीवन में उसको घर में गधा नहीं तो बैल बनकर जन्म लेना पड़ेगा। एक साधु कथा सुना रहे थे, वो ये जो साधु वो जानवर का भाषा समझता था। एक दिन उन्होंने देखा, आप देखना कभी गोरु एक साथ चार पांच गोरु एक साथ में बैठते हैं, एक साथ में गोरु एक चार पांच गोरु एक साथ में बैठे हुए थे, वो साधु जानवर का भाषा समझता था। जो वहां पर गए वो गोरु बाप आपस आपस में बात कर रहे, बोले तू और कितना दिन तक ये सेठ के घर में रहोगे, एक दूसरे को तू और कितना दिन तक सेठ में घर में रहोगे, तू ये सेठ घर में गैया बनकर के गोरु बनकर क्यों आए, बोले अगली जीवन में मैंने इसे ऋणी लिया था, पैसा इसे ऋणी लिया था, इसको ऋणी को मैंने चुकाने के लिए आज मेरे को गोरु बन करके इसके घर में खेती करना पड़ता है, हैं इसलिए इसी जीवन में काम करते करते क्या होगा, हमारी सारी ऋणी चुक जाएगी, फिर अगली जीवन में मेरे को
मुक्ति मिल जाएगी हैं। इसलिए जो गधे गोरु बनकर किसी घर में आते हैं, क्यों आते हैं, कारण क्या है? पहले जन्म में इनसे उन्होंने ऋणी लिया है, ऋणी लेने का बात, वो ऋणी को चुकाने के लिए उसको घर में ये सब गधे और कुत्ते और उसको घर में बैल बनकर काम करना पड़ता है, हैं? इसलिए कभी भी दूसरे के वस्तु को अपहरण नहीं करनी चाहिए। ये विषय का जो बीस है, विषय का ये बीस है, इसलिए क्या करनी चाहिए, भिक्षा वस्तुओं को सही सही रूप में भगवान की गुरु वैष्णव की सेवा में लगानी चाहिए। एक साधु था, एक साधु दो दोस्त थे, एक दोस्त मर गया तो साधु रोज परिक्रमा करता था। एक दिन परिक्रमा करते करते देखा जो मरा हुआ साधु ना रास्ता में खड़ा है, वो देखा उसका दोस्त, बोले तू तो मर गया था, खड़ा कैसे हो, क्या क्या बात क्या है? तो उसने कहा देखो पहले जीवन में मैंने लोगों से जो पैसा लिया था ठाकुर को सेवा के लिए, उसको मैंने ठाकुर को सेवा में नहीं लगाया, इसलिए मेरे को प्रेत जन्म प्राप्त करना पड़ा। देखो एक काम कर, वहाँ पर अमुक जगह पर मैंने पैसा रखा है, ये पैसा को लेकर के तुम उसको सारे संतों को बुलाना और उस पैसा को भंडारा बनाना, भंडारा करके उसको ठाकुर को सेवा में लगा करके वो पैसा को तुम साधु समाज में, वो पैसा को साधु समाज में तुम उनको सेवा में लगा दोगे तो मेरे उधार हो जाएगा। जब उन्होंने लगाया फिर जाकर के उनकी उधार हुई। इसलिए यहाँ पर कहते हैं निज कार्य नाहीं तब जान तार घर। इसलिए साधुओं का निज अपना काम नहीं है, तभी क्यों जाते हैं? उनका जो भिक्षा प्रदत्त जो वस्तु है उसको ठाकुर को सेवा में लगा करके उनको भक्ति उन्मुखी सुकृति को उनको बढ़ाने के लिए साधु लोग जाते हैं। तो उसको बाद में फिर कहते हैं कहते पिबंती जे भगवत आत्मन सताम कथामृतम श्रवण पोटेश संभुतम पुनति ते विषय विदूषिताशयम ब्रजन्ति तत् चरण सरोजो रुहांतिकम। श्लोक याद है ना? हाँ, इसलिए यहाँ पर कहते अगर कोई है, अगर कोई व्यक्ति भवसागर से अगर कोई पार होना चाहते हैं, उनने जो पूछा था ना अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरु पुरुषस्य यत् कर्तव्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जो मरणशील जो व्यक्ति है, हैं, इनकी कल्याण कैसे हो, इसलिए अतः पृच्छामि संसिद्धिम, आप कृपा करके बताओ जगत में ऐसे कौन सा वस्तु है जिसको पाने का बाद जीव को हृदय संपूर्ण भर जाए, उनको ऐसे लगे जीवन में हमें सब कुछ वस्तु जीवन में हमें प्राप्त हो गया, किस चीज की हमें कमी नहीं रह गई, इसलिए अब कृपा करके वो बात हमें बताओ। तब यहाँ कहते हैं पिबंती जे भगवत आत्मन सतांग, क्या करो जो भगवान की जो कथाओं को क्या करो, पान करो, भगवान कथा को पान करो। इसलिए कैसे पान करे, बोले श्रवण पुटेशु, अपना कानों से पान करो। इसलिए देखो जैसे हम कोई चीज पीते हैं ना, जैसे ग्लास में रोज दूध पीते हो, कभी कटोरी में दूध पीते हो ना, कोई कटोरी में पीते हैं, कोई किसमें पीते हैं, ग्लास में पीते हो, देखो लोटे में, हाँ। इसलिए देखो जो कान को ना ठाकुर जी कैसे बनाए, दोना जैसे बनाए, ये कान को कैसे बनाया ठाकुर जी ने, ये कान को दोना जैसे बनाए, क्योंकि इसमें भगवत कथा अमृत को हमें पान करना पड़ेगा, इसलिए कान को उन्होंने दोना जैसे बनाए। हाँ, थकता नहीं है, इसलिए आप तो भाग्यशाली जो थकता नहीं, किसी किसी को तो सुनना सुन किसी किसी को तो विरक्ति हो जाती है, इसलिए जो थकते नहीं उनको तो बड़े भाग्यशाली है, जो भगवान की कथा सुन करके जी उसको थकना नहीं आता है। इसलिए पिबंती हैं, इसलिए क्या कर, कान रूपी दुणा में खूब पियो, पी 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 कर क्या करो, अपना हृदय को भक्ति रूपी रस में भर लो, भक्ति रूपी रस में भर लो, भर करके फिर क्या करो, जब कथा अमृत मिलता है उसको अमृत पियो, तो पी कर तो भर दो, भर करके रख लो। जैसे कभी कभी होता है ना, जैसे कभी कभी बोतल में कोई चीज को भर देते हैं, भर देते हैं, भर कर रख देते हैं, जब पीने का इच्छा होता है ठिप्पी खोलते हैं फिर पीते हैं, हैं? कहते उसी तरह ये कान रूपी दोना ठाकुर ने बनाया, इसमें खूब पी 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 करके कृष्ण भक्ति रस को हृदय में घड़ा को भर दो, भर करके फिर जब कहीं मिलेगा नहीं फिर ठिप्पी को खोलो, फिर एक घूट पी लो, एक घूट को
पी लो, इसलिए कहते पिबंती जे भगवत आत्मन। इसलिए कहते आत्मन मतलब क्या है, कहते आत्मन मतलब होता है कहते जो जिनको उपासना करते हैं, जैसे भगवान कोई नारायण को उपासना करते हैं, कोई राम को उपासना करते हैं, कोई कृष्ण को भजन करते हैं, हैं? कहते क्या करो, निज भाव के अनुरूप, निज भाव के अनुरूप क्या करो, कथा को पान करो। जैसे भगवान की सुंदर सुंदर कृष्ण की बाल्य चरित्र है, कैसे गोपियों के घर में कृष्ण जैसे नटखट करते हैं जाकर के, हैं, कृष्ण कैसे मक्खन चोरी करते हैं, कैसे गैया चराते हैं ठाकुर जी, कभी उनको पौगंड लीला को, कभी उनकी कैश्वर लीला को, कथा मृतों को क्या करो, कौन सा कथा, बोले पिबंती जे भगवत आत्मन सतांग। बोले किसकी कथा सुननी चाहिए, बोले सतांग, सतांग मतलब होता है साधुओं को कथा सुनो, हैं, कहते सत्पुरुषों को साधुओं की कथा सुनो, हैं, बोले कौन सा साधुओं की कथा सुनो, बोले जैसे नारद जी का कथा सुनो, जैसे हनुमान जी की कथा सुनो, जैसे नंद बाबा की कथा सुनो, जैसे श्रीधाम आदि सखाओं को कथा सुनो, जैसे ब्रज गोपियों की कथा सुनो, बोले राधा रानी की कथा सुनो, भक्तों की कथा को सुनो। बोले भक्तों कथा क्यों सुनेंगे, बोले भक्त कथा सुनने से हमारे हृदय में भी उन लोगों ने कैसे कैसे भगवान को आराधना की, कैसे भजन करके भगवत प्राप्ति हुई, कहते जब हम उनकी कथा सुनते हैं हमारे हृदय में ऐसे भजन करने की इच्छा होता है। जैसे हरिदास ठाकुर 3-3 लाख हरिनाम करते थे, हैं, जैसे उनको 22 बाजार में पिटाई हो गई तभी भजन नहीं छोड़े, हैं, हम भी जब उनकी कथा सुनते हैं क्या भावना आता है, बोले 22 बाजार में पिटाई हो गई, ऊपर से सब उनकी सब उतर गया, सब चमड़ा बमड़ा, जब लास्ट में बोले, हैं, लास्ट में वो क्या कहते हैं, लास्ट में क्या कहते हैं, मेरे को आज हमको इतना कष्ट क्यों मिला, क्योंकि हमने ये कानों से भगवान की निंदा सुनी थी ना, इसलिए ठाकुर जी हमें थोड़ी सी दंड दे करके हमें छोड़ दिया है। मतलब भक्तों का भावना कैसे है, अगर भक्ति करते करते कोई भी कष्ट आ जाए, ऐसे नहीं, अरे इतना भजन किया, ठाकुर की भक्ति करते हैं, ठाकुर जी हमारे साथ में ऐसे किया, नहीं, ये भावना नहीं आनी चाहिए। ये आनी चाहिए जीवन में हमें कोई बहुत बड़ा कोई दंड मिलना था, कोई बहुत बड़ा हमने अपराध की, ठाकुर जी हमें थोड़ी सी दंड दे करके छोड़ दी, ये भावना आनी चाहिए। ये नहीं आनी चाहिए ठाकुर हमारे साथ में ऐसे क्यों किए, अरे जैसे पेड़ लगाओगे तो वैसे, जैसे बीज लगाओगे तो पेड़ तो वैसे ही होगा, नीम की पेड़ बो करके बोलेगा आपेल का वृक्ष हो जाएगा, कहाँ से हो जाएगी, आपेल का बीज बो कर बोले चीकू का पेड़ आ जाए, कहाँ से आ जाएगी, जैसे कर्म करोगे वैसे तो फल भोगना पड़ेगा ना। इसलिए कभी भी गुरु वैष्णव भगवान के ऊपर कभी दोष नहीं लगा करके जीवन में जो कुछ हुआ है हंसते हंसते भोग लो और क्या करो, भगवान की भजन करो। इसलिए सताम कथामृतम श्रवण पुटेश संभुतम पुनंती ते विषय विदुषिताशयम। इसलिए जब हम भगवान की कथा को श्रवण करते हैं फिर क्या होता है फल, बोले पुनंती, कहते कथा सुनते सुनते हम पवित्र हो जाते हैं और विषय के द्वारा जो दूषित जो हृदय हैं, हैं, विषय में दूषित जो हृदय हैं, ब्रजंती तत्चरणा सर्वरूहांतिकम, धीरे 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 क्या जीव क्या करता है, हृदय की सारे कलमश धूल जाता है, फिर जीव ब्रजंती मतलब एक दिन भगवान की कथा को सुनते सुनते भगवान की जो चरण रूपी जो अमृत को एक दिन जीव अमृतत्व को प्राप्त करता है। इसलिए कहते जीवन में अगर सर्वसिद्धि कोई पाना चाहते हैं, वास्तव आनंद कोई पाना चाहते हैं, उसको क्या करनी चाहिए, अपना कान रूपी दोने में भर 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 करके क्या करो, कृष्ण कथा रूपी अमृत को पान करो। पान करने पर ही जीवन में परम शांति, परम आनंद और परम शांति तभी जीवन में जीव को प्राप्त होगा। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंशा कुल भ्रष्ट कृपा सिंधु भय बचो सत्ता नंग पावन भो वैष्णव।